दोस्तों बिहार डिलीट एडुकेशन से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर बताने आया हूँ कि कुछ जगह का जो आपका काउंसलिंग का जो डेट था वो फाइनली रद्द कर दिया गया है। अब उस डेट में ना लेकर कोई नया डेट जारी किया जाएगा। तो ये जो काउंसलिंग का डेट है, कहाँ कहाँ का, किस डायट, किस पीटीसी कॉलेज का आपको रद्द किया गया है, पोस्टपोन किया गया है, अब उसको कब कैसे कब तक लिया जाएगा, ये सारी बातों को बताने आ चुका हूँ। तो टाइम रहते हुए चलिए शुरू करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अगाधराज, और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉइड पाठशाला में। आगे जाने से पहले से तो दे सकते हैं ये राज, तो जो आप सभी के कहने पर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। तो अगर आप चाहते हैं बिहार डिलेट एडमिशन से रिलेटेड पल पल का न्यूज प्राप्त करना, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो बिहार में अगर आप चाहते हैं कहीं भी डायरेक्ट एडमिशन लेना प्राइवेट डिलेट कॉलेज में, तो आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे तो सभी कॉलेज का जो फी है आपका सिर्फ और सिर्फ 1,10,000 है। साथ ही तो अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक मारना, और जितना ज्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर करो, ताकि उन सभी तक ये न्यूज मिल जाए। दोस्तों आते हैं आगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय यानी कि पीटीईसी, जो पड़ता मसौढ़ी पटना का है। दोस्तों नीचे आते हैं देख सकते हैं यहाँ पर एक आपका अपडेट आया है, जो देख सकते हैं ये रहा जो अपडेट आप सभी को जानना जरूरी है। जहाँ पे देख सकते हैं कि दिनांक 6 तथा दिनांक 8 फरवरी को आयोजित काउंसलिंग अपरिहार्य कारणों के कारण रद्द की जाती है। दूसरी सूची का प्रकाशन दिनांक 6 तारीख को यानी कि आज होना था। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर है जो 6 तारीख को और 8 तारीख को आप सभी का काउंसलिंग होना था। जिन लोग का सेकंड सिलेक्शन में नाम आया उन सभी को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था 6 तारीख को और 8 तारीख को। दोस्तों आज 6 तारीख है, तत्काल यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी नया अपडेट नहीं लाया गया, आप देख सकते हैं। और तो यहाँ पर जो क्लिक करते हैं ये जो रेड रेड कलर का है, तो कोई भी यहाँ पे लिंक ओपन होता भी नहीं है। दोस्तों देखते हैं यहाँ पर तत्काल अभी किसी प्रकार का कोई भी अपडेट नहीं लाया गया है। यहाँ पर 6 तारीख को बताया गया था, 6 तारीख आज है, अभी तक कोई भी अपडेट नहीं लाया गया है। तो हो सके तो आज रात तक या कल तक आपको अपडेट ला दिया जाएगा। तो आप यहाँ से जो लोग मसौढ़ी पटना से अप्लाई किए थे, आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा कब से कब तक आपका नया डेट होगा काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो बस यही था बताना दोस्तों। और बताता हूँ कि एक और भी था दोस्तों, तो देख सकते हैं यहाँ का नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं ये रहा आपका भागलपुर का ऑफिशियल वेबसाइट में भी आ चुका हूँ। नीचे आते हैं देख सकते हैं यहाँ पर भी आपका जो है फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जो एडमिशन आपका डेट एक्सटेंड किया गया, इससे भी रिलेटेड यहाँ पे आपको नोटिस लाया गया। चलिए इसे जान लेते हैं। उससे पहले किसी प्रकार का डाउट आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट करके जो भी आपका डाउट है मुझे बताइए, क्योंकि आपके प्रत्येक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, उसी कमेंट के अनुसार मैं वीडियो भी बनाता हूँ। तो जो भी आपका डाउट है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, हो सके तो वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर भी कर देना। चलिए तो इस पीडीएफ फाइल को मैं ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ हूँ, चलिए वो ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखते हैं ये जो पीडीएफ फाइल को मैं ओपन किया हूँ, तो जो नोटिस है जो पुराना हो चुका है, तो यहाँ पर लेकिन आपको ये बताने आया हूँ, आप में से जो लोग भी जहां से भी अप्लाई किए हैं फॉर्म से, चाहे तो आप बिहार के पटना, हाजीपुर, बेतिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, हाजीपुर, जहां से भी जिस भी डायट पीटीसी कॉलेज से अप्लाई किए हैं, जो जो आप अप्लाई किए वो सभी वेबसाइट पे आप डेली के डेली विजिट करते रहिए। आप देख सकते हैं अचानक अगर पता चले कि जो आपका काउंसलिंग का जो डेट है वो रद्द कर दिया गया, अब किस दिन लिया जा रहा है, अगर आपको पता नहीं रहेगा तो हो सके तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको बताने आया हूँ। देख सकते ये रहा यहाँ पर जो आपका ऑफिशियल जो नोटिस आया था, वहां पर जो आपको लिखा गया था उसमें किसी प्रकार का जो ऑपरेटर होते हैं आईटी सेल के, जो वेबसाइट को मेंटेन करते हैं, उनका गलती हो चुका था। तो वो गलती कारण हो सके तो आपका एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। तो फिर उन्होंने अपना एप्लीकेशन डाला, जो देखते हैं यहाँ पे शुद्धि पत्र है, जहाँ पे साफ तरीके से बताया जा रहा है कि दिनांक 29/2 को निर्गत नामांकन सूचना के में प्रथम मेधा सूची की अंतिम तिथि दृष्टि चुकवंश दिनांक 5 के बदले 4 अंकित हो गया था। तो देखते हैं यहाँ पर जो आपका अपडेट आया था 29 तारीख के डेट में, जो वेबसाइट में यही आपका जहाँ से मैं बता रहा हूँ, तो वहां पर 5 तारीख की जगह 4 तारीख आपको लिखा गया था। तो यही दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा था कि 5 4 तारीख ना होकर बल्कि आपको 5 ही तारीख में आपका ये काउंसलिंग किया जाएगा। दोस्तों 5 तारीख तो खत्म हो चुकी है, यहाँ पर बस ये बताने आया था कि आप सभी लोग अपना वेबसाइट विजिट रहिए, किसी प्रकार का कोई भी गड़बड़ी हो सकती है। आईटी सेल के भी थ्रू भी बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो रही है, तो इस सभी गड़बड़ी से बचने के लिए आप डेली विजिट करते रहिएगा वेबसाइट में। ऐसे में अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को अपडेट करता रहता हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जहाँ पे मैं आपको बताया हूँ टोटल। देख सकते हैं यहाँ पर एक ये था, ये था दोस्तों मसौढ़ी का, यहाँ पर आप सभी का है जो आपका काउंसलिंग की जो डेट है रद्द हो चुकी है। अब जो नया काउंसलिंग डेट है पता नहीं कब आएगा, जो भी आएगा आपको बता दूंगा, या आप खुद ही यहाँ से आकर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों मैं बताता हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज, अगर आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो पाता है किसी कारण, तो अगर आप चाहते हैं बिहार से कहीं से भी प्राइवेट कॉलेज से डिलेट करना, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको मेरे स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर डायरेक्ट आप व्हाट्सएप थ्रू मैसेज करके या तो कॉल करके आप बिहार में प्राइवेट कॉलेज से डिलेट कर सकते हैं। जो कॉलेज की फी होगी सिर्फ और सिर्फ 1,10,000 होगा। अब कुछ आपको सुविधा दिया जाएगा, क्या सुविधा दिया जाएगा, इसके लिए आप मुझे कॉल कर लीजिएगा।
दोस्तों सीट कम है तो जितना जल्दी हो सके आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कर देना। तो वीडियो देखने धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।